तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी MSTCET 2021 की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और एक चीज़ यार, मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, पिछले दो तीन वीडियोज से मतलब मैं देखता आ रहा हूँ कि बहुत अच्छा आप अप्रिशिएट करते हो मेरे काम को। ओके, आपको जो मटेरियल चाहिए उसके बारे में आप डिमांड करते हो, सर मुझे PYQs दे दो, सर मुझे टारगेट पब्लिकेशन की बुक्स दे दो। तो अच्छा लगता है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से और वो एक्सपेक्टेशन मैं ज़रूर पूरी करता हूँ। ओके, लोगों ने PYQs मांगे थे, मैंने सारे PYQs व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। टारगेट पब्लिकेशन की बुक्स मैं आजकल मैं डाल दूंगा। तो ये वीडियो मैंने दो पर्पज़ से बनाया है यार। पहली चीज़ तो PYQs के बारे में थोड़ी चीज़ें बतानी है आपको, और दूसरी चीज़ पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी दो तीन वीडियो बनाए कि कैसे पढ़ना है आपको, लेकिन आज थोड़ा सा आपको एक तर्क समझाऊंगा कि इस प्रकार कितना आसान होता है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना यार, बीच बीच में स्किप मत करना। और जो नए व्यूवर्स होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको MSTCET से रिलेटेड हर एक अपडेट, न्यूज़, हर तरीके की इंफॉर्मेशन, हर तरीके का सेशन पे लेक्चर्स वगैरह सब अवेलेबल करा दूंगा मैं। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिमांड करना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, दूसरी चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं अपडेट्स न्यूज़ डालता रहता हूँ। व्हाट्सएप पे आसानी से आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ यार। यहाँ पे मैंने कुछ डिस्प्ले किया है, ठीक है, कि 11th स्टैंडर्ड का इतना सिलेबस आने वाला है, 12th स्टैंडर्ड का इतना सिलेबस आने वाला है। बहुत लोग बोलेंगे सर ये चीज़ें तो हमें पता है, ठीक है, आप इतना ये चीज़ बता के मतलब क्या जताना चाहते हो। तो देखो यार, आपके फिजिक्स के सिर्फ 10 नंबर का आने वाला है 11th स्टैंडर्ड से, सिर्फ 10 नंबर का। केमिस्ट्री का सिर्फ 10 नंबर का, मैथ्स का 20 नंबर का। अगर आपने पूरी 11 छोड़ भी दी तो भी मैं गारंटी देता हूँ आप 99% क्रैक कर जाओगे, क्योंकि पिछले साल ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जिसके 155 मार्क्स थे, 99.97% उसको आए हैं। ओके, उसका एडमिशन मैंने COEP पे करवाया है काउंसलिंग करा के। ओके, तो आपके भी हो जाएगी, आपकी भी काउंसलिंग मैं पूरी फ्री में करा दूंगा हर एक बच्चे की। तो सिर्फ आपको चैनल पे बने रहना है, मैंने जो चीज़ बोली अभी, 11th के टॉपिक छोड़ भी दे तो भी चलेगा। जिनकी पढ़ाई हो गई है 11th का, उन्होंने पढ़ लिया है, वो क्यों छोड़ना है, ठीक है, उनको क्यों छोड़ना है, वो पढ़ लो। आप 11th का टॉपिक भी पढ़ो, 12th का टॉपिक भी पढ़ो, लेकिन फिर भी आप भी लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 12th के टॉपिक्स पढ़ो। 11th का सिर्फ 10 मार्क्स का फिजिक्स आता है, 40 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है। ओके, सॉरी, 40 मार्क्स का आपका 12th से आता है फिजिक्स का। तो आपके लिए 40 मार्क्स इंपॉर्टेंट है या 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट? 40 मार्क्स ऑफकोर्स, ठीक है। 11th के टॉपिक छोड़ भी दिया यार, आप 10 नंबर का आता है, 2 नंबर का, तो आप तुक्का मार के 2 नंबर तो आ जाएंगे आपके 11th में से। ओके, तो भी 42 मार्क्स होते हैं फिजिक्स में, 42 मार्क्स इन फिजिक्स इज अ गुड स्कोर। ओके, किसी के नहीं बनते 42। ओके, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको 40 क्रॉस कर पाते, और आप उसमें से एक रहोगे। केमिस्ट्री के लिए सेम चीज़, मैथ्स के लिए, मैथ्स का पूरा पेपर आता है, 80 नंबर का पेपर आता है आपका 12th स्टैंडर्ड से, 20 नंबर का आता है आपका 11th स्टैंडर्ड से। तो आपको डिसाइड करना है अभी, आपको 11th की पढ़ाई में टाइम वेस्ट करना है या 12th का पढ़ना है कि नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी ऐसा होंगे यार जो 11th से स्टार्ट करेंगे, चलो अभी मैं फिर से पढ़ता हूँ, जोश आता है उनमें पढ़ने का, फिर 11th से स्टार्ट करते, कुछ भी नहीं होता उनका, ठीक है, CET के एग्ज़ाम क्रैक तक नहीं कर पाते। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको एक इंटेंसिटी डालने के लिए ये चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया है कि आपको 11th का टॉपिक छूना भी नहीं है अभी, जो जिसने नहीं पढ़ा ना कुछ अभी तक, छूना भी मत। ओके, क्योंकि दिन बचे हैं कम, आपको सिर्फ 12th के टॉपिक पढ़ने, और जिन्होंने पढ़ के रखे 11th के टॉपिक, वेल एंड गुड यार, आप अच्छी चीज़ है, उसमें गलत कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ आप अभी 12th के टॉपिक्स पे फोकस करो, 11th के टॉपिक के सिर्फ फॉर्मूलेज वगैरह एट द लास्ट मोमेंट देख लेना। ओके, उसमें से 10 नंबर का आने वाला है फिजिक्स, 10 नंबर में से 3-4 नंबर भी मिल गए तो भी बहुत है हमें। ओके, लेकिन हम 12th का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, 12th में हम आउट ऑफ मारेंगे, ठीक है, 12th के जितने भी टॉपिक है, क्योंकि आपको सफिशियंट टाइम मिल रहा है यार, इसमें आप जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, ठीक है। तो यही आपको बताना था। दूसरी चीज़ PYQs के बारे में, मैं सारे PYQs व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है, अभी जो नए व्यूवर ज्वाइन होंगे मैं फिर से डाल दूंगा। ओके, लेकिन जो पुराने व्यूवर्स वो इरिटेट मत हो जाना, सर बार बार क्यों डाल रहे हो, तो यार जो नए लोग ज्वाइन होते हैं उनके लिए डालना पड़ता है। ओके, दो तीन ग्रुप हमारे फुल हो चुके हैं व्हाट्सएप के, फिर भी मैंने नेक्स्ट ग्रुप क्रिएट किए हैं, उनमें आप ज्वाइन हो जाओ, उनमें मैं डाल दूंगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो टेलीग्राम पर मैं भी डाल देता हूँ वो सब चीज़ें। यही सारी चीज़ें थी यार PYQs को, आपको हर एक PYQ को सॉल्व करना है, हर एक PYQ को, एक भी PYQ नहीं छोड़ना है। जितने मैंने 5-6 ईयर के डाले, 7-8 ईयर के डाले शायद, उसमें सबके सब क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आप एक्सपेक्ट भी मत करना आप MSTCET क्रैक कर पाओगे। ओके, क्योंकि ठीक है आप पढ़ भी लोगे, अच्छे पढ़ के मार्क्स ला भी दोगे, लेकिन आप भगवान नहीं हो, ठीक है, गलती तो होगी आपसे। ओके, तो क्यों ना PYQs पढ़ के 2-4 क्वेश्चन भी आ गए, मैथ्स के 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर होते हैं यार, 8 नंबर आपके फ्री में आ जाते हैं, आपका आंसर याद रह जाते हैं, ठीक है, एक बार जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसका मतलब मुझे तो याद रह जाता था कि हाँ यार बी सी ऑप्शन है इसका यार बराबर।
आपकी नज़र से वो क्वेश्चन जाएंगे और उस तरह की से आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके सो यही सारी चीज़ें थी यार आज के वीडियो में, मुझे लगा कि ये चीज़ आपके सामने आनी चाहिए तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, कमेंट करो आपको जो लगा वीडियो के बारे में, सच सच कमेंट करना ठीक है, जो चीज़ चाहिए होगी वो बोल दो। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।